अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको डीसी ट्रांजिएंट इन आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, क्लासिकल मेथड और उसके बाद उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं हम डीसी ट्रांजिएंट इन आरएल सर्किट। When one circuit is switched from one condition to another, either by change in applied voltage or change in one of circuit element, there is transitional period during which branch currents and voltage drop change from former value to new one। यानी हम किसी आरएल सर्किट के अंदर यदि उसको एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज करें, यानी ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ, तो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज होता है उसमें कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता है। जब वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज होता है, ट्रांजिशन इंटरवल इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। जो ट्रांजिशन इंटरवल होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। एंड आफ्टर ट्रांजिएंट पीरियड सर्किट कम्स इन स्टेडी स्टेट। जब ये ट्रांजिशन पीरियड निकल जाता है उसके बाद एंड में एक स्टेबल स्टेट आ जाती है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अप्लाइंग केवीएल एंड वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू पार्ट। अब इस सर्किट के अंदर हम केवीएल अप्लाई करते हैं और जो इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है, तो उसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, या डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल के बारे में बात नहीं करूँगा मैं आपको, मैं सिर्फ उस प्रोसेस से आपको अवगत कराऊंगा जो प्रोसेस लैपलास ट्रांसफॉर्म से पहले यूज किया जाता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सेकेंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं उसको। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन goes to zero in short time and is called transient part। Complementary function है वो बहुत जल्दी zero हो जाता है, उसको बोलते हैं transient part। Particular solution जो है वो हमें steady state response देता है। तो particular solution की वजह से हमें steady state steady state value देता है ये circuit आपका। उसमें V0 वोल्टेज दिए DC, ये स्विच S लगा हुआ है और ये करंट I है, R और L। स्विच क्लोज करने पर KVL अप्लाई करते हैं तो RI प्लस LDI बाई DT, क्योंकि इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज LDI बाई DT होता है, इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर वन। L से दोनों तरफ डिवाइड करने पर R अपॉन LI प्लस DI अपॉन DT प्लस वी जीरो अपन एल डी आई, इसको रीअरेंज करते हैं, डी आई अपॉन डी टी को पहले लिख देते हैं, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर अपॉन एल आई इजिकल टू वी जीरो अपॉन एल। मान लिया ये समीकरण नंबर दो है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। इसमें जो इक्वेशन क्या होती है, डी आई अपॉन डी टी प्लस पी आई इक्वल टू क्यू, यहाँ पी ए कॉन्स्टेंट है और क्यू जो है वो आई का फंक्शन है या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आई इक्वल टू ई रेज पावर माइनस पी टी इंटेग्रल ऑफ क्यू ई रेज पावर पी टी डी टी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस पी टी। ये रूल हम लगाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया e रेज पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इंटेग्रेशन ऑफ वी जीरो अपॉन एल e रेज पावर आर अपॉन एल टी डी टी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस आर अपॉन एल टी। यहाँ पर पी क्या है, आर अपॉन एल है, इस इक्वेशन से हमने देखा क्योंकि आई का मल्टीपल जो है कोएफिशिएंट आर अपॉन एल है, क्यू जो है आपका वी अपॉन एल है, ये कॉन्स्टेंट है। तो आई इजिकल टू ई रेज पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इंटू वी अपॉन एल इंटू ई रेज पावर आर अपॉन एल टी डिवाइडेड बाई आर अपॉन एल।
plus C1 into e raised to the power minus R upon L into T. तो I is equal to हो गया V0 upon L into L upon R into e raised to the power minus R upon L into T into e raised to the power, इसको just simplify किया e raised to the power R upon L into T plus C1 into e raised to the power minus R upon L into T. तो e raised to the power minus R upon L into T into e raised to the power R upon L into T ये cancel हो गए. तो I is equal to आ गया V upon V0 upon R और प्लस C1 into e raised to the power minus R upon L into T. मान लिया ये समीकरण नंबर तीन है. तो यदि I0 plus यानी T is equal to 0 plus पर वैल्यू अगर करंट की 0 लें तो 0 is equal to V0 upon R plus C1 into e raised to the power 0 is equal to V0 upon R plus C1. तो C1 की वैल्यू आ गई minus V0 upon R. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने तो I is equal to आ गया V0 upon R माइनस वी जीरो अपन आर इंटू ई रेज पावर माइनस आर अपन एल इंटू टी. वी जीरो पावर आर को बाहर ले लिया ब्रैकेट में हो गया वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर अपन एल इंटू टी. मान लिया है समीकरण नंबर चार है. टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, आई का मान स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है. तो आई एस मान लिया स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये होगी आपके टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा तो वी जीरो अपन आर आ जाएगी. तो आई एस आ गया वी जीरो अपन आर. तो V0 upon R into e raised to minus R upon L into T ये ट्रांजिएंट बनाएगा, वे इसको बोलते हैं IT. अब दोनों इक्वेशन ये जो करंट जो दो पार्ट से मिलकर बनाया, पहला पार्ट तो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू V0 upon R ये ऊपर वाला दिखा रहा है जो, और सेकंड पार्ट आपका है ट्रांजिएंट पार्ट जिसका वैल्यू है ये माइनस V0 upon R इंटू ई रेज पावर माइनस आर अपन एल टी. तो टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो माइनस वी जीरो अपन आर होता है. माइनस वी जीरो अपन आर से शुरू होकर के ये जीरो की तरफ जा रही है और ये आपका फिक्स है. तो इन दोनों का जो सम है वो आपका टोटल करंट आई है. तो आई का ये पाथ रहेगा. ये ग्राफिकली हमने दिखाने का प्रयास किया है कि ये आर एल सर्किट के अंदर डी सी वोल्टेज अप्लाई करने पर किस टाइप से करंट में वेरिएशन आता है. अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और अलग रंग से लिख सकते हैं. आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टी. मान लिया टी जो है वो एल अपॉन आर है तो और वी जीरो अपॉन आर आई जीरो है. तो ये टी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट और इसकी यूनिट होती है सेकंड. और ये सिंप्लीफाई होने के बाद में किस टाइप से नज़र आता है ये हमने दिखाने का प्रयास किया. अब जो सेकंड इक्वेशन लिखी है मैंने आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टी, इसको हम दिखा सकते हैं टी अपॉन टी और आई अपॉन आई जीरो की फॉर्म. तो यहाँ इसको नीचे ले गए लेफ्ट में आई अपॉन आई जीरो. तो आई अपॉन आई जीरो जो है वो हाईएस्ट वैल्यू वन जीरो और टी अपॉन टी की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये कर्व इस टाइप से आएगा, ये कर्व की शेप रहेगी. और इसी टाइप से आई अपॉन आई जीरो तो ये टी अपॉन टी में बात करें तो ये 0.63 जो है वो कहाँ पहुँच रहा है ये हम दिखाने का प्रयास किए. तो टी अपॉन टी पर क्यों निकाला हमने, ये टी इक्वल टू टी पर जो है वो आई अपॉन आई जीरो जो है 63% होता है. तो ये हमने इसको दिखाया है. अब इसके बाद आते हैं हम आरसी ट्रांजिएंट. इसमें सीरीज आरसी सर्किट लिया हमने और स्विच को एक और दो पोजीशन दिखाई हमें, एक पर बैटरी से जुड़ता है दो पर डिस्कनेक्ट हो जाता है. माना स्विच शुरू में एक पर है तथा टी इक्वल टू जीरो पर दो पर मूव किया जाता है केवीएल अप्लाई करने पर. वन अपॉन सी आई डी टी यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस आर आई इक्वल टू जीरो. मानिए समीकरण नंबर एक है. वन अपॉन सी डी क्यू आई डी टी को हम डी क्यू लिख सकते हैं प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी. आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो. तो ये Q अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ Q जो है वो डी क्यू जो है Q हो जाएगा प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी इजिकल टू जीरो. क्यू अपॉन सी इजिकल टू माइनस आर डी क्यू अपॉन डी टी माइनस, इसको रीअरेंज किया इसको माइनस वन अपॉन आर सी डी टी इजिकल टू डी क्यू अपॉन क्यू. दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट में आ जाता है माइनस टी अपॉन आर सी, राइट में आ जाएगा वन अपॉन जो Q को अगर इंटीग्रेशन करें तो लॉग Q होता है और प्लस सी वन कॉन्स्टेंट. तो सी वन कॉन्स्टेंट है उसको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो माइनस टी अपॉन आर सी इजिकल लॉग क्यू प्लस लॉग सी टू. सी वन को मान लेते हैं अगर लॉग सी टू है ये हमने एज्यूम के दूसरा कॉन्स्टेंट है
तो माइनस टी अपन आर सी इज इक्वल लॉग क्यू इंटू सी टी, लॉग के रूल के अकॉर्डिंग लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए लॉग बी। मल्टीपल में अगर लॉग लगाएं, कोई मल्टीपल में टर्म्स हैं अगर लॉग लगाए तो वो अलग अलग लॉग लेके सम के बराबर होता है। तो माइनस टी अपन आर सी इज इक्वल टू क्यू सी टू, तो ये लॉग को हटाने लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ई एज टू पावर माइनस टी अपन आर सी या बेस है ई लॉग का इज इक्वल टू क्यू सी टू। ए एक्स इज इक्वल टू बी हो तो लॉग ए बेस ए के ऊपर बी का जो है लॉग एक्स होता है, ये रूल लगाया हमने। तो क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी सी टू इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी और सी थ्री ई रेज पावर माइनस टी अपन, यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट वन अपॉन सी टू की जगह लिख दिया हमने, सी थ्री एक नया कॉन्स्टेंट है। तो क्यू बराबर होगा किसके, क्यू इज इक्वल टू वी सी ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी। माना टी इज इक्वल टू पर क्यू की वैल्यू सी वी है, तो ये समीकरण नंबर तीन आ गया। अतः वी सी इज इक्वल टू सी थ्री, सो क्यू इज इक्वल टू वी सी इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी, या वी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वी इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी। वी सी जो है वोल्टेज अक्रॉस सी है टाइम टी है और आर सी टाइम कॉन्स्टेंट है, तो क्यू हो गया क्यू जीरो इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टी। तो ये टी अपॉन टी क्यू अपन क्यू जीरो जो है कैसे वेरी करता है ये हमने दिखाया। माइनस स्विच टू से एक पर टी इज इक्वल टू जीरो पर मूव किया जाता है, तो के वी एल अप्लाई करना पर जब एक पर मूव करेंगे तो आर आई प्लस वन अपॉन सी आई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो, या आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन सी क्यू वी जीरो डी क्यू अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन आर सी इंटू क्यू इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन आर डी आई अपॉन डी टी प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर सॉल्यूशन आता है क्यू इज इक्वल टू ई रेज माइनस टी अपन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी जीरो अपन आर इंटू ई रेज पावर टी अपन आर सी डी टी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी इंटू वी जीरो अपन आर आर सी ई रेज पावर टी अपन आर सी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी वी जीरो सी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी वी जीरो बार ले लिया वी जीरो बार वी जीरो सी है प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी क्यू इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर हो तो जीरो इज इक्वल टू वी जीरो इंटू सी प्लस सी वन इंटू ई रेज पावर जीरो वी जीरो सी प्लस सी वन, तो सी वन की वैल्यू आ गई माइनस वी जीरो सी। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया वी जीरो सी माइनस वी जीरो सी इंटू ई रेज पावर टी माइनस टी अपन आर सी वी जीरो सी को बाहर ले लीजिए इंटू वन माइनस टी अपन वन माइनस ई रेज पावर माइनस टी अपन आर सी। तो q इज इक्वल टू वी जीरो सी इंटू वन माइनस ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टी, इसको ग्राफिकली हमने शो किया सी वी और माइनस सी वी, ये ट्रांजिएंट पार्ट है और ये आपका q का एग्जैक्ट पाथ होगा जो दोनों के सम के बराबर होगा। स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट और टोटल चार्ज q, ये टी अपॉन टी वाले फॉर्म में एक से स्टार्ट होके और ये q अपॉन q जीरो या टी इजिकल टू टी के ऊपर जो वैल्यू होती है वो दिखाई हमने। इसी टाइप से आर एल सी सर्किट का लिख सकते हैं, आर एल सी सीरीज में लगा हुआ है, के वी एल लगाया आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन सी आई डी टी वी, डिफरेंशिएशन किया एल डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई अपॉन डी टी प्लस आई अपॉन सी इजिकल टू जीरो डी टू आई अपॉन री अरेंज किया डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन एल सी इंटू आई इजिकल टू जीरो। इसको हमने डी अपॉन डी टी को कैपिटल डी से लिख लिया डी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी प्लस वन अपॉन एल सी आई का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस टाइप की है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तीन टाइप के होंगे, तो इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तीन टाइप, पहले दो के रूट्स निकाल लेते हैं नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग d1 वन इजिकल टू माइनस आर अपॉन एल प्लस आर अपॉन एल का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एल सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और d2 में यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। यदि मान लिया अल्फा इजिकल टू माइनस आर अपॉन टू एल और बीटा जो है स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन टू एल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल सी, तो d1 जो है हमने सिंप्लीफाई किया d1 d2 निकाल लिया और d1 सिंप्लीफाई होने के बाद माइनस आर अपॉन टू एल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन टू एल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल सी, और d2 में यहाँ पर साइन माइनस हो गया। d1 वन इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा d2 टू इजिकल माइनस डी टू इजिकल अल्फा माइनस बीटा, बीटा पॉजिटिव सॉल्यूशन, बीटा अगर पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन होता ओवर डैम, बीटा जीरो पर क्रिटिकली डैम,
बीटा ई को नेगेटिव पर अंडरडैम सॉल्यूशन रहता है। कि स्पष्ट दिखाया हमने जब बीटा पॉजिटिव है सॉल्यूशन ओवरडैम, आर अपॉन टू एल का स्क्वायर जब वन अपॉन एल सी से ज़्यादा हो, डी वन डी टू रियल और अनइक्वल होंगे तो ओवरडैम केस है डी माइनस अल्फा प्लस बीटा, डी माइनस अल्फा माइनस बीटा। आई इसका सॉल्यूशन निकाला आई इक्वल टू सी वन इंटू ई रेज पावर अल्फा प्लस बीटा टी और सी टू इंटू अल्फा माइनस बीटा टी, तो आई इक्वल टू ई रेज पावर अल्फा टी, थोड़ा ये पावर अल्फा टी को बाहर ले लिया, सी वन इंटू ई रेज पावर बीटा टी प्लस सी टू इंटू ई रेज पावर माइनस बीटा टी। केस सेकंड, आर अपॉन टू एल का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, रूट डी वन और डी टू इक्वल होंगे तो क्रिटिकल डैम्प्ड है, तो ये होगा डी माइनस अल्फा इंटू डी माइनस अल्फा इंटू आई इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन होगा ई रेज पावर आई इक्वल टू ई रेज पावर अल्फा टी इंटू सी वन प्लस सी टू टी। केस थर्ड, आर अपॉन टू एल का स्क्वायर लेस देन वन अपॉन अल्फा सी, तो डी वन और डी टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के और सॉल्यूशन कहलाएगा ऑसिलेटरी। तो बीटा इक्वल टू वन अपॉन एल सी माइनस आर अपॉन टू एल का स्क्वायर रूट, सॉल्यूशन होगा सो डी माइनस वन अपॉन अल्फा जे बीटा इंटू डी माइनस अल्फा माइनस जे बीटा आई इज जीरो। तो आई इक्वल टू होगा ई रेज पावर अल्फा टी इंटू सी वन कॉस बीटा टी प्लस सी टू साइन बीटा टी। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की हेल्प से इसको निकाल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैथमेटिकल आप अपने आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आई और टी में सॉल्यूशन केस फर्स्ट का, केस सेकंड इस टाइप से होगा, केस थर्ड इस टाइप से होगा। तो ये लास्ट वाला ऑसिलेटरी है, ये आपका क्रिटिकल और ये ओवरडैम। इसके बाद इनिशियल और फाइनल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नेटवर्क एलिमेंट और इनिशियल कंडीशन, इक्विवेलेंट सर्किट टी इक्वल टू जीरो प्लस टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस। रेजिस्टेंस की बात करें तो तीनों में एक जैसा है। इंडक्टेंस की बात करें तो टी इक्वल टू जीरो पर ओपन सर्किट होता है और उसके बाद इन्फिनिटी पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, टी इक्वल टू जीरो पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और इन्फिनिटी पर ये ओपन सर्किट की तरह। ये इंडक्टेंस के अंदर आई जीरो करंट, इनिशियली आई जीरो करंट है तो यहाँ पर आई जीरो करंट आएगी और ये इसके शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में करंट सोर्स। और कैपेसिटेंस के ऊपर इनिशियल चार्ज अगर की जीरो पॉइंट सी है तो यहाँ वी जीरो एक तरीके से ये वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा इनिशियल में, उसके बाद ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये इसकी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन शो की गई। आर एल सी सर्किट के अंदर आई जीरो प्लस जीरो होता है, डी आई अपॉन डी टी जीरो प्लस वी जीरो अपॉन एल, डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर जीरो प्लस जो है माइनस आर अपॉन एल स्क्वायर वी जीरो इफ़ क्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये दिखाया, टाइम डोमेन और एस डोमेन दिखाया। तो वी टी इक्वल टू आर आई टी और वी एस इक्वल टू आर आई एस, ये ट्रांसफॉर्म दिखाया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी टाइप से इंडक्टेंस की बात करें तो वी टी इक्वल टू एल डी ए अपॉन डी टी और आई टी इक्वल टू वन अपॉन एल, ये सॉल्यूशन निकालने में लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में काम है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी वी टी डी टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया वी एस एल एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस, ये होता है और आई एस निकालें तो वन अपन एल वी एस अपन एस प्लस एल जीरो आई जीरो प्लस अपन एस, ये समीकरण नंबर चार। एल एस आई एस वी एस एल आई जीरो प्लस इजिकल टू वी वन एस, तो जेड एस इजिकल टू वी वन एस अपन आई एस होता है, इसको बोलते हैं एल एस। टाइम डोमेन में ये आई टी और एल और एस डोमेन में जेड एस एल एस और एल आई जीरो प्लस, ये आपका वोल्टेज सोर्स दिखाया। कैपेसिटर के लिए आई टी इजिकल टू सी डी वी टी अपॉन डी टी या वी टी इजिकल टू वन अपॉन सी आई डी टी, इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया वी एस वन अपॉन सी आई एस अपॉन एस प्लस क्यू जीरो प्लस, ये समीकरण नंबर तीन है। क्यू जीरो प्लस सी जो है वो सी वी जीरो प्लस अगर मान लें तो इनिशियल केस है कैपेसिटर के लिए, वी जीरो प्लस इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो आई एस अपॉन सी एस वी एस माइनस क्यू जीरो प्लस अपॉन सी एस वी एस माइनस वी जीरो प्लस अपॉन एस, क्योंकि क्यू अपॉन सी जो है वी के बराबर हो जाएगा तो वी वन एस आ गया, तो वी वन एस इजिकल टू वी एस माइनस वी जीरो प्लस अपॉन एस, ये समीकरण नंबर पाँच है। तो टाइम डोमेन में वी जीरो प्लस जीरो प्लस और जेड एस इजिकल टू वन अपॉन सी एस आता है और वी जीरो प्लस अपॉन एस, ये एस डोमेन में, तो जेड एस इजिकल टू वी वन एस अपॉन आई एस इजिकल टू वन अपॉन सी एस। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूजेज देखते हैं, सीरीज आर एल सर्किट के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। के को टी इक्वल जीरो पर क्लोज किया, के वी एल लगाया था, एल डी ए अपॉन डी टी प्लस आर आई टी इंटू इजिकल टू वी जीरो, ये समीकरण नंबर एक ले लिया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो एल इंटू एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस प्लस आर आई एस इजिकल टू वी जीरो, मान लिया समीकरण नंबर दो है।
यदि आई आर जीरो प्लस जीरो है और एल एस आई एस प्लस आर आई एस इजिकल टू वी जीरो अपन एस हो गया ये, तो आई एस इजिकल टू किसके बराबर होगा, वी जीरो अपन एस वन अपन आर प्लस एस एल, वी जीरो अपन एल इसको थोड़ा रीअरेंज किया, वन अपन एस आर अपन ये एस प्लस एस के फैक्टर्स में लिख दिया इसको, यदि आर अपन एल को ए ले लें तो आई एस हो गया वी जीरो अपन एल वन अपन एस इंटू एस प्लस ए, और इसको इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने के मेथड से करते हैं, वी जीरो अपन एल वन अपन ए इंटू वन अपन एस माइनस वन अपन एस प्लस ए, इसको इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वी जीरो अपन एल वन अपन ए वन अपन एस का जो है वो वन हो गया ई रेज पावर वन अपन एस प्लस ए का ई रेज पावर माइनस ए टी, तो आई टी इजिकल टू का वी जीरो अपन एल इंटू वन अपन आर अपन एल इंटू वन अपन वन माइनस ई रेज पावर माइनस आर अपन एल टी, तो आई टी हो गया वी जीरो अपन एल वन अपन ए वन माइनस ई रेज पावर माइनस माइनस ए टी, और आई टी इजिकल टू वी जीरो अपन एल इंटू वन अपन आर अपन एल ई रेज पावर वन माइनस ई रेज पावर माइनस आर अपन एल इंटू टी, तो आई टी आएगा वी जीरो अपन आर इंटू वन माइनस आर अपन एल ई रेज पावर माइनस आर अपन एल टी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म से हमने देखा कि बहुत ईजिली सॉल्यूशन निकल रहा है, जबकि नॉर्मल क्लासिकल मेथड में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे रूल्स आपको पता होने चाहिए, उससे ये बेटर है। तो वी जीरो अपन आर जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू है, तो वी जीरो अपन आर ई रेज पावर माइनस आर अपन एल टी इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, पहले की तरह हमने इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। सीरीज आर सी सर्किट की बात करें तो वैसे ही हमने आर सी और आई टी करंट दिया, के वी एल अप्लाई किया वन अपॉन सी माइनस इनफिनिटी आई टी डी टी प्लस आर आई टी वी जीरो, इसका फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया आई एस अपन एस प्लस क्यू जीरो प्लस अपन आई एस एस प्लस आर आई एस इजिकल टू वी जीरो अपन एस, क्यू जीरो प्लस इनिशियल चार्ज जीरो ले लिए तो वन अपॉन सी आई एस अपन एस प्लस आर आई एस वी जीरो अपन एस, समीकरण नंबर दो। तीन आई एस की बाहर लिया वन अपॉन सी एस प्लस आर वी जीरो अपन एस, आई एस को बाहर लिया फिर और पहली ले रखा हमें रीअरेंज किया वन प्लस सी आर एस अपन एस सी एस वी एस, तो आई एस वी जीरो सी अपन वन प्लस सी आर एस वी जीरो अपन आर सी, थोड़ा फिर रीअरेंज किया एस प्लस वन अपन आर सी वी जीरो अपन आर अपन वन एस प्लस वन अपन आर सी, यदि वन अपन आर सी को ए ले लिया जाए तो आई एस वी जीरो अपन आर इक्वल वन अपन एस प्लस ए, इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया तो वी जीरो अपन आर इंटू ई रेज पावर माइनस ए टी, क्योंकि वन प्लस एस प्लस वन अपन एस प्लस ए का होता है ई रेज पावर माइनस ए टी, तो इसको वैल्यू ए की सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आई टी आ गया आपके वी जीरो अपन आर इंटू ई रेज पावर माइनस टी टी अपन आर सी। तो मैंने देखा बहुत सिंपल कुछ ही स्टेप्स के अंदर जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म से जो है सॉल्यूशन आया था आर सी सर्किट का। इसी टाइप से सीरीज आर एल सी सर्किट की बात करें, सीरीज में आर एल और सी लगे हुए हैं, के टी इजिकल टू जीरो पर स्विच ऑन करते हैं तो ये के वी लगा एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई वन अपॉन सी माइनस इन्फिनिटी टू डी आई डी टी इजिकल टू वी जीरो, लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया एल एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस आर आई एस वन अपॉन सी आई एस अपॉन एस प्लस क्यू जीरो प्लस अपॉन एस इजिकल टू वी जीरो अपॉन एस, समीकरण नंबर दो। आई एस को बाहर दिया एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एल प्लस आर एस प्लस वन अपॉन सी इजिकल टू वी जीरो, एस वन एस टू रूट्स ले लें तो एस स्क्वायर एल प्लस आर एस प्लस वन अपॉन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट होंगे, एस वन जो है माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस फोर एल अपॉन सी अपॉन टू एल, और सेकेंड रूट है माइनस आर माइनस एल माइनस आर स्क्वायर माइनस फोर अपॉन फोर एल अपॉन सिक्स का स्क्वायर रूट, ट्रांसफॉर्म लिया आई एस वी जीरो अपॉन एस माइनस एस वन एस माइनस एस टू दो रूट अगर ये हैं तो आई एस को लिख दिया हमने, आई एस को हमने थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया, मैं इसको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम चल रहे थे, वापस हम कवर कर रहे हैं। तो इसी टाइप से ये आ गया आई एस इक्वल टू हम यहाँ तक आ गए वी जीरो अपन एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू, इसको बाई पार्ट्स वाले रूल से वी जीरो वन अपन एस वन एस टू वन माइनस एस माइनस वन वन माइनस एस माइनस एस टू, जो हम इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने का रूल से चल रहे हैं वी जीरो अपन एस वन माइनस एस टू वन माइनस एस वन माइनस वन माइनस एस माइनस एस टू, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म किया तो आई टी इक्वल टू वी जीरो अपन एस वन माइनस एस टू ई रेज पावर ब्रैकेट में एस वन टी माइनस एस टू टी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि लैपलास ट्रांसफॉर्म के बिना अगर हम आर एल आर सी और आर एल सी सर्किट के ऊपर का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और क्लासिकल मेथड है, उसके बाद यदि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करें इन्हीं का सॉल्यूशन निकालना तो वही सॉल्यूशन हम बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए लाइक और शेयर करें, इस वीडियो के बारे में कमेंट क्वेरी
और फीडबैक जरूर लिखें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत